जी हमारे बीच पधार चुके हैं और आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी खड़े होकर स्वागत अभिनंदन करेंगे हम माननीय श्री मोहन राव भागवत जी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सभागार में हमारे साथ उपस्थित कला यात्रा महोत्सव के दूसरे दिन हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने विशिष्ट अतिथि का। आप सभी से निवेदन करेंगे मोहन राव भागवत जी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सभागार में हमारे साथ उपस्थित कला यात्रा महोत्सव के दूसरे दिन हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने विशिष्ट अतिथि का। आप सभी से निवेदन करेंगे मोहन राव भागवत जी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सभागार में हमारे साथ उपस्थित कला यात्रा महोत्सव के दूसरे दिन और स्वागत अपने विशिष्ट अतिथि का। विशिष्ट अतिथि सभागार में हमारे साथ कला यात्रा महोत्सव के दूसरे दिन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपने विशिष्ट अतिथि का। Center for Classical Dance, established by Guru Dr. Sonarwal Singh Ji, a Padma Vibhushan and a great exponent of classical dance. Guru Dr. Sonal Mansingh Ji has been running this center for the last 40 years through her own resources. Guru Dr. Sonal Mansingh Ji ke parishram aur prerna se sanchit Center for Indian Classical Dances ke liye 40 varsh ki yatra puri karna ek behad khushi ka pal hai aur hum keh sakte hain ki ye mahotsav usi khushi ka ek vistar hai. Sarve bhavantu sukhina, ye ghosh hai shankhanad ka jo ki samast brahmand को गुंजा देता है, उसके लिए सुख की कामना करता है। ये शंखनाद सुख और समृद्धि की स्थापना का भी आह्वान करता है और चेतना में गूंजती अनंत प्रार्थनाओं की गूंज बन जाता है। हम शंखनाद की इसी अनुगूंज के साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे श्री कामाख्या कलापीठ वंदना और उसके बाद हम आह्वान करेंगे समस्त दैविक शक्तियों का, देवों का। ये स्तुति प्रायः देवताओं की आराधना करती है, लेकिन प्रस्तुत स्तुति की विशेषता, उसकी खास बात ये है कि इसमें स्त्री शक्ति की प्रतीक देवियों का वंदन है, उनकी अर्चना है, जिसके दो पद विशेष रूप से गुरु जी ने उसमें जोड़े हैं, ऐड किए हैं। सो विल बिगिन आवर प्रोग्राम विद द ब्लोइंग ऑफ कॉन्च शेल फॉलोड बाय श्री कामाख्या कलापीठ वंदना एंड देन इन्वोकेशन टू द डिवाइन। तो आइए हम गुंजा दें प्रणव की गूंज से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। The blowing of conch shell, followed by Shri Kamakhya Kalapit Vandana, and then invocation to the divine. तो आइए हम गुंजा दें प्रणव की गूंज से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। The blowing of conch shell, followed by Shri Kamakhya Kalapit Vandana, and then invocation to the divine. तो आइए
इस अद्भुत प्रस्तुति के बाद, जबकि प्रार्थना के स्वर हमारे वातावरण को गुंजा रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और प्रस्तुत करेंगे भव्य भरतनाट्यम। पहले पेश करेंगे अलारिपू, ताल तिश्राम, कंडक्टेड बाय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, और पेश करेंगी CICD की छात्राएं। सर्वप्रथम अलारिपू, जो भरतनाट्यम का सबसे पहला नृत्य होता है, सिखाया जाता है, और उसी में भरतनाट्यम की जो टेक्निक है, जो रेखाएं हैं, स्थिरता है, वो सारा 2.5-3 मिनट के अंदर दिख जाता है कि इस नृत्य में, नृत्यांगना में कितना पानी है। प्रस्तुत है अलारिपू तिश्रम में। Don't touch the
और अब प्रस्तुत है नट्टनम आदिनार ताल अट्टतालम। क्षमा कीजिए, मैंने एक बदलाव किया है नीलम जी, क्षमा कीजिए। मेरी जो शिष्या खास सियाटल से आई हैं, अमेरिका से दो आई हैं, जो सबसे पहली शिष्या थी स्वाति, वो अभी बैठी हुई हैं, और जो सियाटल से आई हैं वो अब नृत्य करेंगी श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी जी पढ़े। श्रृंगार लहरी ताल आदिताल राग नीलांबरी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ लिंगराजर्स renowned scholar and musician from Mysore. This piece in Sanskrit extolled the beauty of the divine goddess. She spreads waves of beauty around her and blesses her devotees. The composer prays for the goddess to always be his guiding light. Thank you.
Yeah.
गीता कृष्णा की ये खूबसूरत बेहद मनमोहक प्रस्तुति। और अब प्रस्तुत है नर्तनम आडिनार, ताल अट्टतालम, राग वसंत। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ शिवा द कॉस्मिक डांसर, रिटन बाय पोएट गोपाल कृष्ण भारती। दिस पॉपुलर सॉन्ग हैज बीन अ स्टेपल इन एवरी भरतनाट्यम डांसर्स रेपर्ट्री। तो प्रस्तुत है CICD की छात्राओं द्वारा नर्तनम आडिनार।
प्रस्तुत है तेलाना ताल आदि राग तोड़ी. तेलाना इज अ प्योर डांस नंबर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड एज अ जॉयस एंडिंग. द डांसर वीव्स पैटर्न्स इन स्पेस यूजिंग इंट्रिकेट टेक्निक्स ऑफ टाइम साइकल्स टू प्ले विद द मेन म्यूजिकल रिफ्रेन कमिंग टुगेदर ब्यूटिफुली एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन. प्रस्तुत कर रही है मीरा कृष्णा. No.
बेहद मनमोहक प्रस्तुति के बाद हम दिव्य शक्ति माँ श्री कामाख्या देवी जी को नमन करते हुए अपने विशिष्ट अतिथियों को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री मोहन राव भागवत जी। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। हम आमंत्रित करेंगे पंजाब केसरी की डायरेक्टर किरण चोपड़ा जी को। कृपया मंच पर अपना स्थान लें। मैं नीचे जा रही हूं, उनको ला लें। माननीय मोहन राव भागवत जी, जोरदार तालियों के साथ मंच पर हम उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे।
माननीय मोहनराव भागवत जी हमारे विशेष आमंत्रण पर नागपुर से हमारी कला यात्रा के आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम दिल से उनके आभारी हैं। हम यहाँ आमंत्रित करेंगे श्री अजित केसूत जी, श्रीमती लवलीन जी, श्री बीपी सिंह जी मंच पर पधारें। तो 40 बरस की ये यात्रा, कला की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो अनवरत जारी रही, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये यात्रा इसी प्रकार से अनवरत जारी रहेगी। गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के परिश्रम और उनकी प्रेरणा से और उनके अथक विश्वास से ये कला यात्रा आज अपने इस मकाम तक, इस स्थान तक पहुंची है। और इस यात्रा में जो कोई भी उनका सहयोगी रहा है, जिसने भी उन्हें प्रोत्साहन दिया है, उन सब का आशीर्वाद आज यहाँ पर हमारे साथ है। और कला यात्रा को और आगे बढ़ाने में और हमारा मनोबल बढ़ाने में उन सब का विशेष योगदान है। और अब मैं गुजारिश करूँगी गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का यहाँ स्वागत अभिनंदन करें। हम अभिनंदन करना चाहेंगे सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक माननीय मोहनराव भागवत जी का, उनका स्वागत अभिनंदन। हम अभिनंदन करेंगे पंजाब केसरी की डायरेक्टर किरण चोपड़ा जी का। धन्यवाद। और अब हमारे बीच मौजूद श्री अजित केसूत जी, हम उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। माननीय श्री मोहन राव भागवत जी से हम निवेदन करेंगे कि अभिनंदन करें इनका, श्री अजित केसूत जी। माननीय अजित केसूत जी का स्वागत अभिनंदन। हम अभिनंदन करेंगे श्रीमती लवलीन जी का और अभिनंदन करेंगी किरण चोपड़ा जी। और श्री बीपी सिंह जी का भी यहां पर हम अभिनंदन करेंगे। श्रीमती लवलीन जी का अभिनंदन। और श्री बीपी सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। किरण चोपड़ा जी से आग्रह करेंगे कि श्री बीपी सिंह जी का भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। श्री बीपी सिंह जी कला यात्रा में आप सबका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज का दिन आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करने का है।
बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपने स्थान लें। और हमारे साथ यहाँ पर सभागार में मौजूद हैं श्रीमती शोभा दीपक सिंह और श्री दीपक सिंह। आप सब जानते हैं भारतीय कला केंद्र के चेयरमैन दीपक सिंह जी और उसकी डायरेक्टर श्रीमती शोभा दीपक सिंह। मैं गुजारिश करूंगी सुजाता जी से कि उनका अभिनंदन करें। सुजाता प्रसाद जी से मैं गुजारिश करूंगी दीपक सिंह जी का अभिनंदन करें। मैं नीलम जी एक शब्द बोलना चाह रही हूँ जी के दीपक जी और शोभा दीपक सिंह जी इनकी पत्नी ये कमानी श्री राम भारतीय कला केंद्र इनके अधिष्ठाता हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत मददगार हैं, कलाकारों का सम्मान करते हैं। तो आपका सम्मान करना कलाकारों के सम्मान के बराबर है, आप करते रहें। धन्यवाद। और हम सम्मानित करना चाहेंगे यहाँ पर श्री बंकिम सेठी, संगीताचार्य श्री बंकिम सेठी जी को हम आग्रह करेंगे कृपया मंच पर पधारें और अभिनंदन करेंगे माननीय मोहन राव भागवत जी, संगीताचार्य श्री बंकिम सेठी, एक बहुत बड़ा लंबा योगदान कला यात्रा के साथ। आपकी तालियों के साथ उत्साहवर्धन यहाँ पर कलाकारों का। कहते हैं कि कलाकारों का अगर उत्साह बढ़ा दो उससे ज्यादा वो कुछ चाहते नहीं हैं, और ये मौका है उनका उत्साह वर्धन करने का, और आपकी तालियां उसको दुगना कर देती हैं। शुक्रिया। और कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सेंटर बनता है उसके छात्र छात्राओं से, तो ऐसे ही कुछ छात्र छात्राओं को यहाँ बुलाना चाहेंगे। श्रीमती मीरा कृष्णा जो कि पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, अमेरिका से स्पेशली आई हैं, आपने उनका परफॉर्मेंस भी देखा है, उन्हें आमंत्रित करेंगे और उनका भी यहाँ सम्मान करेंगे और गुजारिश करेंगे एक बार फिर माननीय मोहन राव भागवत जी से कि पूर्व छात्रा मीरा कृष्णा का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करें। मीरा जी अब अमेरिका सेटल हो गई हैं लेकिन विशेष रूप से कला यात्रा में शामिल हुए, हम वाकई उनका धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया। श्री प्रमोद कोहली, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ मंच पर। प्रमोद कोहली जी, उनका अभिनंदन करेंगी किरण चोपड़ा जी, और यहाँ मंच पर आमंत्रित प्रमोद कोहली जी। श्रीमती पल्लवी प्रामाणिक हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। पल्लवी प्रामाणिक यहाँ पर मौजूद हैं, मंच पर कृपया आएं, उनका भी स्वागत अभिनंदन गुरु सोनल मान सिंह जी द्वारा। अभिनंदन में पूरा सभागार शामिल है सोनल जी। कलाकारों के अभिनंदन में हम सब शामिल हैं। श्रीमती पल्लवी सरन गुजराल हमारे साथ, उनका भी यहां पर आज अभिनंदन करेंगे पूर्व छात्रा सीआईसीडी की। श्रीमती आशा नायर बासु हमारे बीच, श्रीमती आशा नायर बासु नहीं है, श्रीमती मंदिरा कुमार हमारे बीच, उनका भी अभिनंदन, अगर मौजूद हैं तो आए कृपया। मंदिरा हैं नहीं, वंशिका कांत हमारे साथ, उनका भी यहाँ पे आज अभिनंदन। उम्र छोटी कलाकार हमेशा बड़ा।
आने वाले वर्षों पर कला को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं छात्र छात्राओं पर रहेगी। और अब यहाँ कला यात्रा का ब्रोशर, उसका भी यहाँ लॉन्च और यहाँ पर विमोचन करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगी एक बार फिर से माननीय मोहन राव भागवत जी से कि ब्रोशर कला यात्रा का ब्रोशर जो कि विशेष रूप से इस विशिष्ट मौके के लिए प्रकाशित हुआ है, आज उसका भी लोकार्पण आप सबकी उपस्थिति के बीच माननीय मोहन राव भागवत जी के हाथों। आप सभी इस लोकार्पण में शामिल हों और जरूर इस कला यात्रा ब्रोशर को आप जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। और अब सांस्कृतिक मूल्यों के लिए समर्पित और मन वचन प्राण से शास्त्रीय नृत्य के लिए समर्पित हमारे साथ 40 बरस की अनवरत साधना, और जिसके आज हम सब इसे देख रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ऐसी गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह जी से अब हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमें संबोधित करें। कामाख्या वरदे देवी, साक्षात देवी यहाँ विराजमान हैं भगवती, जिनको निमंत्रण देने मैं स्वयं गई थी गुवाहाटी नीलाचल धाम, और माँ को यहाँ विराजमान किया है, तो उन्हीं के दरबार में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। कला और कला में खास करके नृत्य संगीत का बहुत विशेष स्थान है। सुना है कि स्वयं भगवान नारायण विष्णु ने कहा नारद मुनि को, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हैं स्वयं विष्णु, ना अहम वसामि वैकुंठे, ना अहम वसामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगी नाम हृदये न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। पूछा होगा तो भगवान कहां रहते हैं आप? मत भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्तगण गायन करते हैं, और गायन में संगीत में नृत्य वाद्य गीतम त्रयम संगीतम उच्यते, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं रहता हूं। तो हमारे देवी देवताओं को नृत्य संगीत अत्यंत प्रिय है। As Nietzsche, the German philosopher, said, I don't believe in a God who does not dance. और ये यही इस भूमि में भारतवर्ष की सनातन कला धारा, विचार धारा, संस्कृति धारा में ही पॉसिबल है। कहीं सुन सकते हो आप? कहां सुनेंगे आप? और दुनिया में जिनको मानते हैं कि वो डांस करें, तौबा तौबा, यहां पर उसके बिना षोडशोपचार, जो 16 उपचार हैं मंदिरों के लिए और अनुष्ठानों के लिए, वो पूर्ण नहीं होते। तो इतना बड़ा स्थान दिया है कि स्वयं शिव को नटराज कहा है और स्वयं देवी नटेश्वरी हैं। ऐसे समाज में यदि हम संस्कारों का सिंचन ना करें तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस उठी और गिरी, सभ्यताएं उठी और गिरी, लेकिन जहां पर ये अविरल धारा बहती आ रही है, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज ऑन वन साइड, पल्लू के तराजू के एक पल में है, एंड ऑन द अदर साइड आर द फाइनर
values the finer points of life, that which makes life worth living, that which gives quality to life. अब क्वांटिटी की बात हो रही है, हमें क्वालिटी की बात बार बार याद करानी पड़ेगी है। और इसीलिए 40 वर्षों से ये हमारा कामाख्या कलापीठ सतत निरंतर मेहनत कर रहा है। Not everyone wants to dance all the time. Not everybody becomes a dancer. People are doctors and lawyers and teachers and everything, business, trade. But what they take with them, sur laya gati, sharir ka sanchalan, awareness, alertness, coordination, quick thinking, how to proceed, how to walk, what they call today body house by a new aeroplane. But they are happy usually. Hum log fakir hain. मेरे पास आज तस्सू भर जमीन नहीं मेरे नाम की और मैं इतनी खुश हूं, आनंद में रहती हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, देने के लिए सब कुछ है, अंदर खुश रहने के लिए सब कुछ है। तो मेरी यही एक छोटी सी विनती है सबको कि चाहे आप आगे करें ना करें, लेकिन अपने बच्चों को, खुद आप पिता माता संगीत नृत्य अवश्य सीखें, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष अवश्य सीखें। और इसी बात पर मैं माननीय वंदनीय आदरणीय श्री मोहन राव भागवत जी का बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करती हूं कि आप विशेष रूप से यहां आए हैं। ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक समिट नहीं है, ये हम जैसे सीधे सादे कलाकारों की एक प्रस्तुति है और उसमें आप विशेष रूप से नागपुर से पधारे। इससे अधिक हमारे लिए कोई सम्मान नहीं हो सकता। ये हमारा नहीं, कला का कलाकारों का, भारत की संस्कृति का सम्मान है, ये मैं मानती हूँ। और इसीलिए भागवत जी को और किरण चोपड़ा जी को, बीपी सिंह जी को और हमारे परम मित्र लवलीन जी अजीत भाई को, मेरे मित्र प्रोफेसर राल्फ बुल्टियन यहाँ बैठे हैं, कल भी मैंने कहा था, ही हैज कम स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, ही इज अ most eminent political scientist and a much acclaimed author, speaker and authority. But the friendship that I have enjoyed of such people, that is my dhan, that is my treasure. I thank you, Ralph. And to all of you who are here today, aap log aaye hain, aapka अत्यंत आदर पूर्वक मैं सम्मान करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और अब आगे हम सब उत्सुक हैं वंदनीय भागवत जी के शब्द सुनने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने गुरु जी, हम सब उत्सुक हैं कि माननीय मोहन राव भागवत जी यहाँ पधारे हैं हमारे बीच, तो अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें संबोधित करें। माननीय मोहन राव भागवत जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से मंच पर अभिनंदन। सभी को नमस्कार। जैसा कि कहा गया कि ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, इकोनॉमिक समिट नहीं है, फिर भी मैं यहां पर उपस्थित हूं। ये जो एक गलत धारणा सर्वत्र हो गई है कि ये जीवन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं और एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं, हमारी सोच ऐसी नहीं है, हमारी यानी अपने देश की सोच ऐसी नहीं है। मनुष्य के सारे व्यापार, सारे कार्यक्रम, सारी कृति उसके अस्तित्व से निकलती है।
और संपूर्ण अस्तित्व को हमारे यहां डिविनिटी के रूप में देखते हैं। सब बातों में पवित्रता देखना यह हमारी संस्कृति है। तो कोई तकनीकी को लेकर कोई नया उत्पादन करने के लिए कारखाना शुरू होता है तो वो भी यहां पूजा से शुरू होता है। इकोनॉमिक समिट हो तो भी दीप प्रज्वलन होता है, क्योंकि हमारा दर्शन ही है सत्यम शिवम सुंदरम। तो कलाओं में भी यही है, वो केवल थ्रिल के लिए नहीं है, वो अंतरतम के सत्य के शिवत्व की सुंदर अभिव्यक्ति है और उसी के लिए हमारे यहां कलाकार कला की अभिव्यक्ति करता है। आज के दिनों में अगर हमको अपने संस्कृति के पास जाना है तो उसका राजमार्ग है हमारी कलाएं, हमारा साहित्य। उसकी आविष्कृति इसी भावना से, परंपरा से जो चलती आई है उसको देशकाल परिस्थिति अनुरूप ठीक रूप देके जहां जहां व्यक्त होती है वहां अपने आप को उपस्थित रखना, यानी अपने आप को अपने मूल से जोड़ना है। अभी आपने बताया कला में कि अभिनय, मुद्रा, पदन्यास, अंगन्यास, इसके द्वारा एक अवेयरनेस में आदमी जाता है। मैं देखता हूं कि अपने आप परंपरा से जो कुछ चलता आया है उसमें ये सारी बातें हैं। मैं संघ में शारीरिक प्रमुख रहा हूं, एक विषय योग का आता है, दूसरा विषय एक मार्शल आर्ट है, नियुद्ध, अनआर्म कॉम्बैट जिसको आजकल कहा जाता है, उसकी एक भारतीय परंपरा है लंबी। वो सब देखते समय ध्यान में आता है कि वहां भी मुद्रा है, अंगन्यास है, पदविन्यास है, और उसको ठीक तरह से अनवरत करते समय भी उसी में नहीं खो जाना, अवेयर रहना, इसकी आवश्यकता रहती। कई उसकी स्थिति आयोग की, उस नियुद्ध की, और हमारे परंपरागत नृत्य शैलियों में विभिन्न जो स्थिति आती है वो उसमें बहुत समानता है। इसका कारण यह है कि तीनों का उत्स एक ही है, जीवन सुंदर है, जीवन में कुछ भी विरूप नहीं है, क्योंकि सारा ही विश्व उसके सुख दुखों सहित जिसकी अभिव्यक्ति है वो सत्य शिव है, और इसलिए उसकी अभिव्यक्ति हम जब अपने माध्यम से करते हैं शरीर मन बुद्धि से तो वो सुंदर होने के लिए वैसी शिवता सब बातों में देखकर उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसी हमारे यहां कला का प्रस्फुटन परंपरा से होता आ रहा है, और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में मैं जाता हूं। मैं उसका शास्त्र बहुत नहीं जानता, परंतु आप में भी कुछ अगर बैठे होंगे कि नृत्य का शास्त्र नहीं जानते होंगे, लेकिन नृत्याविष्कार को देखते हैं, शास्त्रीय संगीत नहीं जानते लेकिन संगीत सुनते हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नहीं जाना है लेकिन नाटक देखते हैं, तो आनंद की अनुभूति तो सबको होती है। ताल सबके पास है, उस ताल में अपना हृदय चलते रहता है जीवन भर। वो ताल गड़बड़ होता है तब हम बीमार हो जाते हैं, रुक जाता है तब हम मर जाते हैं। सृष्टि में अस्तित्व के साथ ये बातें उस पवित्रता के चिन्ह के नाते जुड़ी है अविभाज्य रूप से सर्वत्र,
उसको हमारे पूर्वजों ने देखा और उसको अभिव्यक्त करने के लिए जीवन को ही ऐसा रचा, कला को भी वैसा रचा। इसलिए उसकी अनुभूति जब हम करते हैं तब हम फिर से अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं, और जड़ों से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विकास जिनका होता है, उन्नति जिनकी होती है, वो उनके अपने जड़ों पर ही होती है। यहां प्रत्यारोपण नहीं हो सकता, इधर का उधर लगा के बड़ा किया ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य की उन्नति उसके अपने प्रकृति के आधार पर, उस प्रकृति को अधिक सुसंस्कृत बनाते बनाते होती है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में जाना, स्वयं उसमें से ये जो सारी बातें मिलती है उसको ग्रहण करना, और अगर हमारी उपस्थिति से इन सारी बातों को प्रोत्साहन मिलता है तो मिलने देना। ये कोई इन्हें हमने कोई बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा तो है ही, परंतु मुझे लगता है कि सारे समाज का ये कर्तव्य है कि ऐसे कार्यक्रमों में जाना, टिकट निकाल कर जाना पड़ता है तो टिकट निकाल कर जाना, यहां तो फ्री है, लेकिन जब देना पड़ता है देकर जाना, क्योंकि ये कोई हम किसी कला संस्था को, कलाकार को बड़ा नहीं कर रहे, हम अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, अपने देश को बड़ा कर रहे हैं। और इसी भाव से जब मुझे पता चला कि ऐसा कार्यक्रम है और सोनल जी ने आमंत्रण दिया, तो मेरा तो प्रवास चल रहा है, लेकिन उसमें बात ऐसी बन गई कि थोड़ा रास्ता टेढ़ा करके आज शाम को मैं यहां आ सकता हूं, तो मैंने यहां आने का कार्यक्रम बनाया। उस मेरे इतना सम्मान आपने दिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ और आप सबको नमस्कार करता हूं मैं, अपने चार शब्द समाप्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोहन राव भागवत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे कार्यक्रमों में आके हम कलाकार को नहीं खुद को बड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। आप सभी से निवेदन है कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सहित आप सभी। मैंने नीलम जी एक चीज देखी है कि पूज्य भागवत जी इज नेवर इन अ हरी, व्हेन ही कम्स फॉर द एंटायर इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और कला यात्रा की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे हम। बात करें भगवत महिमा, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, निर्गुण सगुण, व्यक्त अव्यक्त, इन सब रहस्यों का सार अगर कोई है तो वो भागवत पुराण है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य और भारतीय धर्म और संस्कृति के विश्वकोश हम कह सकते हैं भागवत पुराण को, और इसी के कुछ अंशों की प्रस्तुति आज हम यहां आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, भगवत महिमा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट भगवत महिमा विच प्यूरिफाइज द हार्ट एंड बेस्टोज डिवोशन फॉर द सुप्रीम सोल। प्रेजेंट करेंगे रेपेट्री के स्टूडेंट्स, संगीत संगीताचार्य बंकिम सेठी जी, कंडक्टेड कोरियोग्राफ्ड एंड डायरेक्टेड बाय गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह जी।
होते हैं। ये अष्टयाम श्रृंगार भी बहुत विशेष रूप से सजाए जाते हैं एंड ऑल काइंड्स ऑफ वंडरफुल फूड, 56 भोग शिव को नहीं लगता, विष्णु को चढ़ाया जाता है। तो ऐसे विष्णु, ऐसे कृष्ण जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण नारायण वासुदेव, उनके लिए श्रीमती राधा को तैयारी तो करनी पड़ेगी। वैसे तो सारी गोपियां कृष्ण के पीछे पड़ी रहती हैं, मटकाती हैं आंखें, कमर मटकाती हैं और आकर्षित करने के प्रयत्न करती हैं। कृष्ण सोचते हैं, सुना है वो बोले तो मुख से फूल झरते हैं, सुना है कि दिन में तितलियां और रात रात जुगनू उसे सताते हैं, सुना है कि चांद एक टक एक पलक उसके मुख चंद्र को निहारता है और बामे फलक से तारे उतर कर उसके दर्शन करते हैं। I've heard Krishna is thinking that such a great beauty exists, such an indescribable beauty that even the moon forgets to go round, just looks at her face, moon face, and the stars come down from the skies to look at her. Jugnu, the fireflies at night, do the pradakshina of this beauty, and during the day, butterflies cannot leave her to go to any other flower. यदि ऐसा है तो चलो इस गांव में ठहर के देखते हैं। एंड सो सेइंग कृष्ण वेंट फ्रॉम गोकुल टू बरसाना, वेंट फ्रॉम गोकुल टू राधास विलेज बरसाना, जस्ट फॉर अ ग्लिम्प्स ऑफ श्री राधा। एंड नाउ यू कैन सी व्हाट हैपेंस।
जो काला करे दूध माखन की चोरी, करे दूध माखन की चोरी, फुसलावे है बिजली बोरी, को रोके ना हमें डोके, कठजोरों के ना हमें डोके, कठजोरों के ना हमें डोके, चंचल चट चट बिजका पान, सब कुछ दाई माखन भाई, बन के बोला बाला, कहीं तुम वो तो नहीं? किसका मैंने क्या चुराया, किसका मैंने क्या चुराया, भूल जाओ ये कहा सुनी, भूल जाओ ये कहा सुनी, आओ मिलके साथ चले हम, आओ मिलकर साथ चले, नाचे गाए बनकर जोड़ी, नाचे गाए बनकर जोड़ी, नाचे गाए बनकर जोड़ी, कृष्ण कन्हैया राधा गोरी, निकल पड़े हैं बनकर जोड़ी, कृष्ण कन्हैया राधा गोरी, निकल पड़े हैं बनकर जोड़ी, Hey, 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 hey
Let us all give a standing ovation. बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं. ये वो पौध है जो वृक्ष में बदल जाएगी, ये खूबसूरत नहीं